हेलो, मेरा नाम है समीर और आप लोग देख रहे हो एंड्रॉयड गेट। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। एक डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैन्युफैक्चरर ब्रांड जो होंगे तो सॉफ्टवेयर में कितना ज़्यादा चेंजेस करके कितनी ज़्यादा सेविंग कर पाते होंगे अपने जो है बिजनेस के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब डिवाइस के सॉफ्टवेयर में इंपॉर्टेंटनेस की बात करें तो समझ लीजिए सॉफ्टवेयर डिवाइस का 90% होता है। क्योंकि अगर आपके डिवाइस में सारा हार्डवेयर लेटेस्ट भी लगा हुआ है और सॉफ्टवेयर जो हैगा आपका सही से जो हैगा कस्टमाइज नहीं आएगा उस डिवाइस के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। और हो सकता है आपका डिवाइस जो हैगा हार्डवेयर बेस्ड तो काफ़ी अच्छा हो मगर आपको जो हैगा काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस प्रोवाइड होगा आपको उस डिवाइस के अंदर। आप सेकेंड टाइम उस कंपनी का डिवाइस बाय नहीं करेंगे जो कि उसके सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी प्रीवियस बार। जैसे आपको थोड़ी बहुत मैं बताऊं, जैसे आपको कोई भी ऐप खोलने में काफ़ी ज़्यादा लैगिनेस देखने को मिल जाए और जो हैगा ऐप काफ़ी देर में खुले और क्या ऐप जो हैगा ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाए क्या क्लोज हो जाए, इन सब के आपको जो हैगा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और कैमरा ऐप के अंदर आपको कैमरा सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैगी इन दिनों। और जो हैगा काफ़ी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है जो सॉफ्टवेयर मैटर करता हैगा जिनमें आपको काफ़ी बग देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब अगर जो हैगा कंपनी ने सही से ध्यान नहीं दिया हैगा सॉफ्टवेयर के ऊपर तो आपको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो सकती है कि आपके डिवाइस के अंदर। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिए थे 2-3। अब ये डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती कैसे, ये आती हैंगी कंपनीज के जो हैगा कॉस्ट कटिंग के कारण। उनको जो होता है अपना पैसा बचाना होता है तो सॉफ्टवेयर के कुछ कंपनी जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर से अपना फोकस हटा लेती हैं और जितना हो सके उससे ज़्यादा जो हैगा वो सॉफ्टवेयर में कॉस्ट कटिंग शुरू कर देती हैं। जैसे लेटेस्ट फीचर को आपके डिवाइस में पुश ना करना, ये कह के जो हैगा आपका डिवाइस जो हैगा 1 ईयर ओल्ड हैगा और उनका सॉफ्टवेयर आपका जो हैगा वो लेटेस्ट जो हैगा फीचर्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और आपका डिवाइस स्लो हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं हैगा, आपका डिवाइस जो हैगा उन लेटेस्ट फीचर्स को स्मूथली यूज़ कर सकता है और जो हैगा सपोर्ट कर सकता है आपके डिवाइस के अंदर अपडेट के ज़रिए। क्योंकि उनके अंदर अगर सही से वो आपको अपडेट पुश करेंगे उसके अंदर कोई बग नहीं होगा, वो टेस्टिंग सही से करेंगे सॉफ्टवेयर की, तो आपको कहीं भी जो हैगा आपकी डिवाइस चाहे 1 ईयर ओल्ड क्यों ना हो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। मगर वो लोग जो हैगा ऐसे कुछ बातें करके आपको जो हैगा सॉफ्टवेयर में फिर धीरे धीरे ट्वीट कर करके आपके डिवाइस को स्लो करते हैंगे और कहते हैंगे आपका डिवाइस जो हैगा 1 ईयर का टाइम होने के बावजूद इस वजह से आपका डिवाइस स्लो हो रहा है और लेटेस्ट फीचर्स को आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। ऐसे कुछ कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती हैं। आपको ये बात पता है जो गूगल लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च करता हैगा हर ईयर जो हैगा अपने डिवाइसों के लिए, एंड्रॉयड डिवाइसों के लिए मतलब, तो उनमें आपको ये देखने को मिल जाता हैगा कि वो जितने भी लेटेस्ट फीचर वो ऐड करता हैगा वो सिर्फ पिक्सल डिवाइसों के लिए वो रख लेता है और बाकी डिवाइसों में ये कहता हैगा ये फीचर जो है अभी काफ़ी उन डिवाइसों में प्रॉब्लम कर सकते हैं, बस उन डिवाइसों में आते हैंगे जो आपको महंगे डिवाइस देखने को मिल जाते हैंगे, उनमें भी आपको जो हैगा सिर्फ कस्टम स्किन के अंदर देखने को मिल जाते हैंगे, वरना जो हैगा गूगल उन फीचर्स को सेव कर लेता है। तो आपको जो हैगा ज़्यादातर कंपनीज अपने फीचर्स को अपने सेव करती हैंगी और सिर्फ वो शोकेस करती हैंगी आपको जो हैगा लेटेस्ट वर्जन के अंदर एंड्रॉयड के, और आपको जो हैगा सिर्फ ओल्ड वर्जन ही मिलता हैगा, मतलब कि ओल्ड ही फीचर्स मिलते हैंगे आपके एंड्रॉयड वर्जन में, और जो लेटेस्ट फीचर होते हैं उनको कंपनीज जो हैगा आपको सिर्फ शोकेस करके शो करती है कि आप नया डिवाइस बाय करें कि आप अपने डिवाइस को अपडेट करें। मगर आपको कहीं भी सॉफ्टवेयर में नए अपडेट देखने को नहीं मिलते हैं, उल्टा आपके डिवाइस को धीरे धीरे कंपनी स्लो करते जाती। बस मैटर क्या करता है आपके डिवाइस में सिक्योरिटी पैच के जो अपडेट आते हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्या कोई भी बग इशू जो होते हैं उनको फिक्स करने वाले अपडेट कुछ सही रहते हैं, वरना बाकी कंपनी जो हैगा सॉफ्टवेयर में ऐसे जो हैगा सेविंग कर करके आपको जो हैगा काफ़ी ज़्यादा 50% से ऊपर वो कॉस्ट कटिंग कर लेती है और सेविंग कर लेती है अपने मार्जिन में अपने बिजनेस के अंदर। तो जो हैगा सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिवाइस का। तो आप कोई भी डिवाइस बाय करें तो उसके सॉफ्टवेयर के बारे में जान लें, उसका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा हैगा कंपनीज के बैकग्राउंड और कितना अच्छा हैगा सॉफ्टवेयर के मैटर के अंदर। अगर कंपनीज का सॉफ्टवेयर के अंदर मैटर काफ़ी बुरा हैगा तो आप समझ जाइए MIUI जैसा आपको एक्सपीरियंस होने वाला है आपके फ़ोनों के अंदर। आपको जो हैगा बजट के अंदर काफ़ी अच्छे हार्डवेयर तो मिल जाएगा मगर आपको जो
तो सॉफ्टवेयर में काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस होने वाला है, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। MIUI 12 तक के मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपको कहीं भी जो है कोई भी लेटेस्ट फीचर मिलता नहीं है अपडेट के अंदर, और उनके सिक्योरिटी पैच भी काफ़ी धीरे आते हैं और डीले हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा ही, क्योंकि वो कहते हैं कि 3 मंथ के अंदर जो है आपको एक सिक्योरिटी पैच मिलेगा, मगर कभी कभी 6 मंथ के ऊपर हो जाता है, आपको कोई भी सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे करके जो है कंपनी सेविंग करती है और आपको जो है हार्डली पुश करती है कि आप न्यू डिवाइस बाय करें, सॉफ्टवेयर में जो है आपको आपके डिवाइस को स्लो करके, क्या आपके डिवाइस में जो है लेटेस्ट फीचर्स को ना पुश करके। तो अब कि आप जब भी कोई डिवाइस को बाय करने जाएं तो उस कंपनी का जो है सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड जरूर चेक करें। यही थी सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ मेरी जो है थिंकिंग, और जो है मैंने ये इस वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताया है, बस आपको जो है इतना बता दिया है कि इंपॉर्टेंस जो है सॉफ्टवेयर को भी दिया करिए। तो ये वीडियो अगर आपको जो है कहीं से भी यूज़फुल लग रही हो तो मेरे चैनल को जो है शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, और जो है मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल बाय।